हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्प्लैश स्क्रीन बनाया था और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कुछ दो तरीके बताने वाला हूँ। तो एक तरीका तो मैंने बता दिया था, तरीका तो सेम है, बट मैं अगर चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो हमने एक फ़ाइल बनाई है स्प्लैश स्क्रीन एग्ज़ाम्पल डॉट जावा, अभी मैंने कोड इसमें लिखा है, तो अगर मैं इस फाइल को ना क्रिएट करता, मैं सीधे क्या बनाता, सीधे मैं एक स्क्रीन डॉट जावा जो जे फ्रेम है जहाँ पे मैंने स्प्लैश स्क्रीन बनाया है, इसके अंदर ही अगर मैं कोड करता तो वो कैसे हो पाता। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कोड तो मैं यही वाला यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, क्योंकि मैं पूरा कोड एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, एक और फाइल बनाते हैं, एक और न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब जब प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो जावा जावा एप्लीकेशन यहाँ पे लेते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और अगर मैं मेन क्लास क्रिएट नहीं करता हूँ तो मेरे पास अलग से ये फाइल नहीं आएगी। ये जो जावा फाइल आती है मेरे पास, जिसमें कोई फ्रेम वगैरह नहीं होता है, ठीक है, तो ये जो फाइल आती है, इसको अगर मैं नहीं बनाता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे अब यहाँ पे कोई हमारे पास फाइल नहीं है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे एक जे फ्रेम बना लेते हैं। इसका नाम मैं दे दिया स्क्रीन 1 2 3, फिनिश कर दिया। ठीक है, तो ये जे फ्रेम आ गया। अब इसको सबसे पहले तो हम सेंटर में कर देते हैं, तो प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, राइट क्लिक करके जे फ्रेम की प्रॉपर्टी में आ गए। और मैंने आपको बताया कोड में जाके आपको क्या करना है, जनरेट रिसाइज कोड पे क्लिक करना है और सेंटर में करना है जनरेट सेंटर। ठीक है, जनरेट सेंटर पे टिक करना है। और इसके अलावा जो मिनिमाइज मैक्सिमाइज का बटन आता है वो भी हटाना है। तो फिर से आप प्रॉपर्टी में चले जाओ और यहाँ पे आप देखो प्रॉपर्टीज़ में जाके आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी अनडेकोरेटेड, इस पर टिक कर दो। ठीक है, तो अब वो मिनिमाइज मैक्सिमाइज का बटन नहीं आएगा। ठीक है, देन आफ्टर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डिज़ाइन तो वही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे जो बनाया था ये यहाँ से मैं सारा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, शायद कॉपी हो जाए, पैनल को ही कॉपी कर लेते हैं हम, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट तो हो गया, बट इमेज नहीं आ रही क्योंकि इमेज तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इमेज को मैं फिर से यहाँ पे कॉपी करके डाल देता हूँ। तो डी ड्राइव के अंदर मेरे पास इमेज है। ठीक है, ये इमेज मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसको मैंने इस वाले प्रोजेक्ट में यूज़ कर लिया। ठीक है, तो डायरेक्ट में यहाँ डिफ़ॉल्ट पैकेज में या फिर सोर्स पैकेज पर राइट क्लिक करके मैं इमेज को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये इमेज आ गई। अब ये इमेज यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, तो इमेज आ गई। सो फ्रेंड्स, ये सारा मैंने आपको बनाना बताया था इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो पहले देखिए। ये लेबल है, ये भी एक लेबल मैंने यूज़ किया और ये प्रोग्रेस बार है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास केवल एक ही फाइल है जिसमें हमने ये डिज़ाइन बनाया है, फ्रेम बनाया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो अभी तो ये प्रोग्रेस बार में कुछ कोड तो हमने किया नहीं है प्रोग्रेस बार का, तो अब ये प्रोग्रेस बार हमें चलता हुआ नहीं दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, सोर्स में आते हैं और जो कोड हमने पहले किया था वो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब हमें ये वाली विंडो तो ओपन नहीं करना है क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी एक ही विंडो है, यही वाली विंडो है स्क्रीन 1 2 3 नाम से, तो
तो हम बस ये ट्राई कैच वाला जो पार्ट है उसको कॉपी कर लेते हैं। अब इसको हमने कॉपी तो कर लिया, लेकिन इसको हम कहाँ लिखेंगे? पहले तो हमने इसको लिखा था मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है? आप देखोगे मेन फंक्शन के अंदर मैंने इस कोड को लिखा था। अब मैं इस कोड को कहाँ लिखूँगा? अब मैं अगर इसको रखता हूँ इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने इसको यूज़ कर लिया। अब ये लॉगिन फ्रेम वगैरह तो मैंने बनाया नहीं है, इसीलिए इधर आ रही है। तो एक लॉगिन फ्रेम नाम का भी एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट पैकेज पर राइट क्लिक करके एक और फ्रेम बना लेते हैं, और इसका नाम मैं देता हूँ लॉगिन फ्रेम। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया था। अब यहाँ ओबीजे इधर आ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ओबीजे यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब अगर ये कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया तो कोई इधर तो नहीं है, लेकिन मैं अगर इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे ये कुछ ज़्यादा टाइम लेगा रन होने में, क्योंकि मैंने यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लिप का यूज़ किया है। ठीक है, अब ये विंडो इस तरीके से आ गई, सेंटर में आ गई, और ये प्रोग्रेस बार जो है वो आप देख रहे हैं पूरा 100% हो रहा है, मतलब शुरू में ही ये 100% आ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, अभी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ आई की वैल्यू अगर जो है 100 के इक्वल है तो ये कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, अभी तो फिलहाल मैंने इसको कमेंट कर दिया है, और आई यहाँ पे, ठीक है, आई तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ कंडीशन को। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। ठीक है, आई को हम बाहर भी बना सकते थे लूप के, तो हमें वो इधर नहीं आती। अब यहाँ पे आप देखोगे ये प्रॉब्लम आपको दिख रही है कि हमने जो स्लिप यूज़ किया है तो उसकी वजह से रन होने में टाइम ले रहा है ये, और ये सीधे 100% आ रहा है, मतलब आपको प्रोग्रेस होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कैसे रिजोल्व होगी? अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर मैं इसको मेन फंक्शन के अंदर लिखता हूँ, जैसे पहले हमने इसको मेन के अंदर लिखा था, तो मेन के अंदर मैं अगर यहाँ कोड लिख देता हूँ, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी। ये जो जे प्रोग्रेस बार वन है वो तो नॉन स्टेटिक है, ठीक है, और ये मेन के साथ स्टेटिक है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। अब हम कोशिश करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी में अगर जाते हैं, हम अगर इस प्रोग्रेस बार की प्रॉपर्टी में जाके इसको स्टेटिक करेंगे तो क्या सॉल्यूशन मिलता है? ठीक है, कोड में जाके हम इसको पब्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, पहले मैंने आपको बताया था पब्लिक किया था क्योंकि दूसरी फाइल से एक्सेस कर रहे थे। अब मैं अगर इसको स्टेटिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे स्टेटिक का ऑप्शन भी है, तो अभी भी अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो उसके लिए भी मुझे, मेरे पास तरीका है। वैसे यहाँ पे ये इधर तो हट गई है, अब इसको रन करके देखते हैं। अब ये तो 0 आ रहा है, 0%।
और इंक्रीज भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये तरीका भी सही नहीं है। ठीक है, ये आगे इंक्रीज हो ही नहीं पा रहा, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। हम क्या करते हैं, आपको इसको स्टैटिक वगैरह पब्लिक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं खुद भी चेक कर रहा था। ठीक है, बट इससे हमारा सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो हम जाते हैं वापस डिज़ाइन के अंदर, उसको वापस प्राइवेट ही रख लेते हैं। ठीक है, प्राइवेट ही रख देते हैं और स्टैटिक हटा देते हैं, जैसा ये था ऑलरेडी वैसा ही रख देते हैं। ठीक है, शुरू में प्राइवेट था और नॉन स्टैटिक था, ठीक है वैसा ही हमने रख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, थ्रेड का यूज़ कर लेते हैं। तो मैं आता हूँ डिज़ाइन विंडो पे, सॉरी सोर्स विंडो पे। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर के अंदर इस कोड को लिख रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे एक सबसे पहले तो एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, प्राइवेट स्प्लेश थ्रेड SP नाम का। ठीक है, तो स्प्लेश थ्रेड ये क्या है, इस नाम की मैं एक क्लास बनाऊंगा, ये इसका वेरिएबल मैंने बनाया SP नाम का। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहाँ पे मेन फंक्शन के, सॉरी कंस्ट्रक्टर के बाद हम इसको क्रिएट कर लेते हैं, क्लास स्प्लेश थ्रेड। और हमें क्या करना है, थ्रेड बनाना है, तो थ्रेड बनाने के लिए आप क्या करते हो, एक्सटेंड करते हो थ्रेड क्लास को। ठीक है, आप इनहेरिट करते हो थ्रेड क्लास को और इसके अंदर हमने लिख दिया पब्लिक वॉइड रन, रन फंक्शन को ओवरराइड कर लेते हैं। ठीक है, मतलब इसका वर्किंग हम बताते हैं। तो अब ये जो हमारा कोड था, इसको हम यहाँ से हटाते हैं और इसको हम इस रन फंक्शन के अंदर रख देंगे। ठीक है, इस कोड को मैंने यहाँ रन फंक्शन के अंदर रख दिया। ठीक है, और उसके बाद कंस्ट्रक्टर के अंदर हम आते हैं और ये जो रन फंक्शन है उसको हमें एग्जीक्यूट करना है। तो कैसे एग्जीक्यूट होता है रन फंक्शन, उसके लिए आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हो। तो हमने ऊपर वेरिएबल तो बनाया था, अब मैं उसको इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्प्लेश थ्रेड और इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, स्टार्ट फंक्शन को कॉल करने से रन फंक्शन का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, आपने थ्रेड पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैंने इसको, अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो अब आप देखेंगे ये सॉल्यूशन मिल चुका है। ठीक है, अब ये 100 हो गया तो ये हाइड हो जाना चाहिए। तो हम इसको जो हमने कमेंट यहाँ पे किया था उसको हम हटा देते हैं, दिस डॉट डिस्पोज या डिस्पोज आप लिखोगे तो ये वाली करेंट विंडो बंद हो जाएगी और लॉगिन फ्रेम ओपन हो जाएगा। मैं कोड आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, कुछ नहीं किया मैंने, मैं थोड़ा सा ही कोड हमने किया है, स्क्रीन 123.java नाम का एक जे फ्रेम बनाया और एक लॉगिन फ्रेम जिसमें अभी कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया, स्प्लेश थ्रेड क्लास जो हमने बनाई है उसका एक वेरिएबल है, उसको यहाँ पे इनिशियलाइज किया और उसको उसके थ्रू हमने स्टार्ट को कॉल किया ताकि ये रन फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। और ये कोड तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं पहले वाले वीडियो में। ठीक है, अब मैं फिर से इसको रन करता हूँ।
तो अब आप देखेंगे जब 100% होगा तो लॉगिन फ्रेम डॉट जावा ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने इसमें कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं किया है तो ये ब्लैंक आ रहा है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।